नमस्कार, मैं हूं ज़ैनब और आप देख रहे हैं टुडे स्टेटमेंट। आखिरी चरण यानी सातवां चरण एक टीवी सीजन की एंडिंग की तरह नहीं बल्कि क्लाइमैक्स की तरह उभर कर आ रहा है। महसूस तो हो रहा है कि पिछले 6 चरणों में पार्टियां वॉयलेंस थ्रू वर्ड्स यानी शब्दों से हिंसा इसलिए फैला रही थी क्योंकि वे इंतजार कर रही थी कि आखिरी चरण आए और वे पूरी ताकत झोंकते हुए वॉयलेंस थ्रू एक्शंस करें, और वे कर भी यही रही हैं। जनतंत्र भारत में इसलिए है ताकि देश के नागरिक एक ऐसी पार्टी को चुन सकें जो सक्षम हो देश चलाने के लिए और इस काबिल हो कि वह देश के नागरिकों की सीमा के बाहर से ही नहीं बल्कि सीमा के अंदर भी सुरक्षा कर सके। लेकिन जब हम सत्ता में होने वाली पार्टियों को ही इतना हिंसा भरा माहौल सर्जन करते देख रहे हैं तो फिर उनके हाथों में देश सौंपने का गुनाह हम कैसे कर सकते हैं। एक वक्त था जब चुनाव आयोग लाइमलाइट में इसलिए आता था कि कभी बड़ी संख्या में लोगों के वोटर लिस्ट में नाम नहीं होते थे तो कभी पोलिंग स्टेशन में फैसिलिटीज़ कम होती थी। लेकिन अब हालात ये हैं कि चुनाव आयोग ने ट्विटर इंडिया को लोकसभा चुनाव 2019 के एग्जिट पोल्स से जुड़े सभी ट्वीट हटाने को कहा है। चुनाव आयोग ने दोबारा बताया है कि चुनाव के बीच में कोई भी एग्जिट पोल्स नहीं हो सकते हैं, इसलिए आयोग ने ट्विटर से कहा है कि इससे संबंधित सारे ट्वीट हटाए जाएं। मंगलवार को चुनाव आयोग ने 3 मीडिया हाउस को भी एग्जिट पोल्स दिखाने के लिए नोटिस जारी किया है और 48 घंटे के भीतर इन मीडिया हाउस से जवाब देने के लिए कहा गया है। और जब चुनाव प्रचार से पहले चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नियमों में बताया था कि चुनाव परिणाम से पहले किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल्स निकालना गलत है, तो फिर मीडिया हाउस ने इस पर विचार क्यों नहीं किया। चुनाव आयोग ने बुधवार को पश्चिम बंगाल में हिंसा की घटनाओं के बाद एडीजी सीआईडी राजीव कुमार को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त करके केंद्र गृह मंत्रालय भेज दिया है। वहीं राज्य के प्रधान गृह सचिव अत्रि भट्टाचार्य को भी हटा दिया गया है। आयोग ने पश्चिम बंगाल में आखिरी चरण के प्रचार को भी 20 घंटे पहले बंद करने का फैसला किया है। चुनाव आयोग ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि संभवत ये पहली बार है जब हम इस तरह से आर्टिकल 324 का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन शांतिपूर्वक चुनाव हमारी जिम्मेदारी है और इसके लिए कदम उठाएंगे। इलेक्शन कमीशन के डिसीजंस का चुनाव परिणाम पर क्या असर पड़ता है, यह तो सारे चरणों के चुनाव परिणाम बाद ही क्लियर हो पाएगा। लेकिन इस बार का चुनाव आयोग निष्पक्षता पूर्वक चुनाव ना कराने के लिए भी जाना जाएगा। और अब चुनाव आयोग के फैसलों पर हमारी निगाह बनी रहेगी। जुड़े रहिए हमारे साथ और भी एक्सक्लूसिव खबरों के लिए।